हाँ, मुझको पता चला कुछ ऐसे लोगों ने मिठाई भी बांटी। हम तो समझते थे ये बुराइयाँ और ही लोगों में हैं, भाजपा में ये बुराइयाँ नहीं होंगी, लेकिन ये तो भाजपा में तो बड़ी गहरी ये बुराई होगी। मतलब कोई अध्यक्ष पद से हट रहा है, है तो उनके साथ कि आपने बहुत अच्छा काम किया थैंक यू कहने के बजाय उनके हटने की आप खुशी मना रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं, तो ये भाजपा का नया चरित्र, नई पहचान दिखाई दी है उत्तराखंड में। मदन कौशिक जी एक बहुत परिश्रमी व्यक्ति हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं। मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने देखा उन्होंने हमारी सरकार को हमेशा पंजू के बल खड़ा रखते थे विधानसभा में, बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। और हरिद्वार उनसे छीनने में हमारे पसीने निकल गए। एक बार जब मैं लोकसभा का लड़ा था तब जरा सा पतली गली से जीत पाया था, थोड़े मार्जिन से, और कभी उन्होंने हमको फटकने नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा ज़्यादा समय तक मदन कौशिक की उपेक्षा करेगी। देखिए उन्होंने भी शुद्ध होकर के कहा है, मैं जो उनकी भावना ये कहने के पीछे मैं उसको समझता हूँ, लेकिन भंग करना, संस्था खड़ी करने, 14 साल बाद 2014 में हमारी सरकार ने संस्था खड़ी की, ये भर्ती बोर्ड, मेडिकल भर्ती बोर्ड, शिक्षा भर्ती बोर्ड बनाए, और आज आप उसको ख़त्म कर देंगे इसलिए क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में उनकी जड़ों में जो है भ्रष्टाचार घुस गया, तो संस्थाओं को ख़त्म कर दो। ये तो किसी को रोग हो जाए तो रोग का इलाज करने के बजाय आप गर्दन काट दे रहे हैं, तो गर्दन काटना सॉल्यूशन नहीं है। मैं त्रिवेंद्र सिंह जी ने आक्रोश में बात कहा, उनके आक्रोश को कि मैं सराहना करता हूँ। और ये देखने में आ रहा है जहाँ पर भी ये इस तरह के आयोग हैं उनमें जो राज्य सरकारों ने बनाया उसमें कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। एक तो ये है कि उस कमी को दूर किया जाए, अच्छा तो ये है, और नहीं किया जा सकता तो बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, होनहार बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो शॉर्टकट से पैसे के बल पर उनकी नौकरी ले लेते हैं, उनकी नौकरी खा जाते हैं अगर देशी भाषा में हम कहें, तो कदापि उचित नहीं है। मैंने ये कहा था कि इस आयोग पर इसको रहना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस पर भी सरकार विचार कर सकती है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि एक उन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री इतने आक्रोशित थे कि इन संस्थाओं को भंग करने की मांग कर रहे, इसका मतलब है सर ने जो पानी है वो सर से ऊपर निकल गया है। तो त्रिवेंद्र नाव धामी मस्ट धामी जी मस्ट एक्ट।